गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन सबसे पहले जो है, हमारे संस्थान से जो अभ्यर्थी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किए हैं, उसमें 7 अभ्यर्थियों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया इस बार और लगभग 17 स्टूडेंट ने नेट क्वालिफाई किया। तो उन सभी लोगों को बहुत सारी जो है शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से, और जो लोग नहीं कर पाए हैं उनको और भी शुभकामनाएं हैं। इसलिए उनको ज्यादा है क्योंकि उनको भी और स्ट्रगल करना है और एग्जाम जो है जल्दी होगा। सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो देखिए पीजीटी की भी आज सूचना आई है, पेपर में है आपका जो ये हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन है उसके भी बारे में आज पेपर में आया हुआ है कि जनवरी में होने की उम्मीद है। आपका जो नेट वाला पेपर है ये भी होगा, ठीक है, दिसंबर वाला जो है तो वो भी जनवरी वगैरह में हो सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग जिनका एक दो नंबर से जेआरएफ रुक गया है या जिनका एक दो क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का फोन आया, मैसेज आया, बहुत सारे बच्चे होपलेस हो गए हैं, बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो नहीं हो पाता है, कभी कभी समय होता है, चीजें जो है नहीं हो पाती है। लेकिन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं होती है। हमारे संस्थान से 2018 से जो बच्चे जुड़े हुए थे वो इस बार देखिए नेट नहीं हो रहे थे, हर बार पॉइंट से कभी वन क्वेश्चन से रुक जा रहे थे, लेकिन वो इतना अच्छा नंबर लाए कि वो सीधा जेआरएफ हो गए, ठीक है। और मतलब सोचिए, तो ये सिर्फ क्यों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति अगर हार जाए एक दो बार में तो फिर क्या वो हो पाते, नहीं हो पाते ना। तो उन्होंने अपने आप को बनाए रखा था, कहीं ना कहीं सहज रखा था, उन्होंने हार नहीं मानी। तो जब हार नहीं मानी तो रिजल्ट तो आना ही आना है ना। आप किसी भी चीज में अगर लगे रहेंगे तो उसका प्रतिफल एक दिन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से एक लाइन भी है, मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग डिमोटिवेट है, मैसेज भी करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, तो उन लोगों के लिए है। और आज से ही आप सभी लोग, चाहे वो पीजीटी के लिए लगे हों, चाहे ये जो है आपके एनटीए नेट के लिए लगे हों, उन लोगों के लिए मेरी तरफ से आज एक लाइन है। उसके बाद मैं ये पेपर में सॉल्व कराऊंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि हारी हूँ खुद से पर खुद पे भरोसा है, हारी हूँ खुद भी पर खुद पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अपने अंदर से कभी भी हार मत मानिए, अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखिए, ठीक है, तो आप जीत जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जीते हैं और उन्होंने कल इतना अच्छा फीडबैक दिया हुआ है, और कल गूगल मीट कराई गई थी हमारे यहाँ, तो इतनी मतलब इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई अपने बारे में, इतनी जानकारियां दी कि उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे संघर्ष किया और अपने आप को कैसे सहज रखा, लाइब्रेरी ज्वाइन किया, और मतलब बहुत सारी उनकी कहानियां थी। मतलब जितने बड़े उनके स्ट्रगल थे उतनी ही उनकी कहानियां थी। तो देखिए, हार मत मानिए और अभी से आप लोग लग जाइए, ठीक है। तो आइए हमारे साथ अब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए पेपर वगैरह सभी लोगों के पास में है, बुकें हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, बहुत सारे चैनल हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन लोग लग नहीं पाते हैं, उसको सही से कर नहीं पाते हैं। इतना उनके अंदर जब कोई चीज होता है, एक दो नंबर से रुक जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए वो टूट जाते हैं, और जब तारतम्यता एक बार आपकी टूट जाती है तो फिर से उस रिदम में आ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मैं बस छोटा सा एक मेरी तरफ से प्रयास था कि आप सभी लोग प्लीज होपलेस ना होइए और अपने आप को बनाए रखिए और अभी से ही कंटिन्यू लग जाइए, ठीक है, आप जरूर सफल होंगे। तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन वन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक बुक दी गई है, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी। तो ये पुस्तक है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, और ये पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, तो मैनुअल कैस्टल्स, एडवर्ड सील, कोहेन, एंथोनी गिडिंग्स। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स में से हैं, ये नेट वगैरह में भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, क्योंकि ये जो नेटवर्क सोसाइटी पे इन्होंने काफी वर्क किया है, मैनुअल कैस्टल्स का नाम आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जो वन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए मैनुअल कैस्टल्स। अगला है, प्रघटना विज्ञान का प्रमुख शिल्पकार किसे माना जाता है। तो प्रघटना विज्ञान मतलब इसको, प्रघटना विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फेनोमेनोलॉजी। तो फेनोमेनोलॉजी का जो शिल्पकार था, जनक था, फाउंडर है, वो कौन है, तो एंथोनी गिडिंग्स, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड श्रुट्ज, गॉफमैन। तो आप सभी को पता है अल्फ्रेड श्रुट्ज महोदय थे, कौन थे, अल्फ्रेड श्रुट्ज महोदय फेनोमेनोलॉजी के जो है फाउंडर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थ्री है, कौन सी पुस्तक जो है वो मिशेल फूको की रचना नहीं है। तो कौन सी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फूको, इनसे हर बार नेट में जो है इनकी कभी बुक का सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, कभी नहीं है या है या
कब कौन से ईयर में, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन में भी पूछी जाती है। तो आप लोग इसको लर्न करके अच्छे से रखिएगा। डिसिप्लिन एंड पनिश, रीडिंग कैपिटल, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो डिसिप्लिन एंड पनिश ये पुस्तक जो है फूको की है। किसकी है? फूको की है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स ये भी है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन ये भी है, लेकिन रीडिंग कैपिटल ये नहीं है। रीडिंग कैपिटल बुक जो है ये किसकी है? तो फ्रेंड्स जो रीडिंग कैपिटल बुक है ये किसकी है, तो ये भी आप, ये तो हम बता देंगे कि नहीं है रीडिंग कैपिटल, लेकिन है किसकी ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनेशन में यही बुक आ जाए रीडिंग कैपिटल, तो ये बुक जो है ये लुईस अल्थूजर की है। किसकी है? यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रही हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो लुईस अल्थूजर जी की बुक है रीडिंग कैपिटल। और चलिए तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये एक सूची दी गई है, अवधारणाएं हैं और इनके प्रतिपादक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अति निश्चय है, अलेक्जेंडर है, संरचनाकरण है, संरचनाकरण के आगे गिडेंस दिया हुआ है, नव प्रकारवाद हैबरमास और अविकृत संवाद अल्थूजर। तो इसको हमें मैच करना है, इस मैचिंग को। तो आइए इसको मैच करते हैं। अति निश्चय, तो अति निश्चय का किससे हो जाएगा? ए का फोर, ए का फोर यानी अल्थूजर ने दिया हुआ है अति निश्चय। संरचनाकरण तो ये हो जाएगा आपका गिडेंस का। और नव प्रकारवाद के लिए जो है ये नियो फंक्शनलिज्म, अलेक्जेंडर जी जाने जाते हैं। और अविकृत संवाद ये हैबरमास का है। तो इस प्रकार से देखा जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है कई बार पूछा गया है, कभी कभी सिंगल में और कभी कभी मैचिंग में। यहाँ पे क्वेश्चन 5 है कि कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है। तो कौन से जो इसमें विचारक हैं वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? तो इसको जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं, संघर्षवादी जो थिंकर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है, तो एक होता है नहीं है। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, नहीं पे जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि मुझसे भी ये पहले कंफ्यूजन होता था, इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ जो गलतियां हुई हैं मुझसे, तो आप लोगों से ना हो, तो इसीलिए अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो शेयर करना चाहिए हर व्यक्ति को। देखिए अलेक्जेंडर, अल्थूजर, हैबरमास, गिडिंग्स और जो है ये हर्बर्ट मार्क्यूज। तो इसमें कौन से लोग आ जाएंगे? ये आपके जो अल्थूजर हैं ये हैं, हैबरमास हैं, क्योंकि ये लोग क्रिटिकल है ना, अल्थूजर, हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूज भी हैं। लेकिन इसमें जो अलेक्जेंडर हैं ये तो नौ प्रकारवादी हैं, आपको पता ही अभी ऊपर ये था। गिडिंग्स जो है ये संरचनाकरण से संबंधित है। तो ये लोग जो हैं ये 1 और 4 ये नहीं होगा। तो 1 4 देखते हैं मैचिंग में है, 1 2 है, 1 2 5 है, 3 5 है, 3 4 है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, जब इसमें ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, यानी 1 4 का ऑप्शन होना चाहिए, तो 1 4 नहीं है, तो यानी इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रश्न तो यहाँ डिलीट हो जाएगा आपका। ये प्रश्न 5 नंबर क्या हुआ? डिलीट हो गया, क्योंकि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1 और 5। अलेक्जेंडर और गिडिंग्स इसमें नहीं आएंगे, जबकि अल्थूजर, हैबरमास, मार्क्यूज और एक लोग और भी आते हैं इसमें, एरिक फ्रॉम, थियोडोर एडोर्नो। तो आप ये लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे ही पूछ लेते हैं, या ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 2 लोग और हैं, अल्थूजर, हैबरमास, मार्क्यूज, एरिक फ्रॉम और उसके बाद में थियोडोर एडोर्नो। तो इन लोगों का जो है आप इन 5ों लोगों को नोट कर लीजिएगा, बाकी लोग जो है वो नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसका तर्क है कि जो पद्धतिकीय रूप में सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है। तो ये किसने कहा कि पद्धतिकीय रूप में सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है दुर्खीम, क्योंकि दुर्खीम भी सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं ना, सोशल फैक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक दी गई है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, इम्पोर्टेंट है, कई बार पीजीटी में, हायर एजुकेशन में, एनटीएनएट में ये पुस्तक जो है ये पूछी गई, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स ये है किसकी? कोजर की है। किसकी है? कोजर की। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डैरन डार्क ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूहों में भेद बताया, तो वो कौन कौन से थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करके रखिएगा, मैं यहाँ स्टार लगा दे रही हूँ कि डैरन डार्क ने अपने द्वंद्व के सिद्धांत में 3 प्रकार के समूह की बात की है, वो कौन से हैं? तो ऐसे तो जब हम ऐसे करते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि हमें सब आ रहा है, लेकिन जब हम वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पे इन्हीं सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, अर्ध है, रुचि है, संघर्ष है, या अध्य, मध्यवर्ती, संघर्ष,
रुचि अप्रकट प्रकट या संघर्ष सर्वसम्मत और अर्ध। तो इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? इसमें जो डेरन डार्क ने अपने सिद्धांत में तीन प्रकार के जो समूह बताए, इसमें उन्होंने बताया अर्ध, रुचि और संघर्ष। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि किसने अपने सिद्धांत में अवशेष तथा व्युत्पत्ति, ठीक है, तो एक होता है अवशेष यानी रेसिड्यूस और तथा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स और रेड्यूस की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है ये बताना। ये भी हायर एजुकेशन में आया हुआ प्रश्न है, पीजीटी में भी आया है, पेरेटो से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जो है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया है, कई बार ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, विल्फ्रेड पेरेटो महोदय ने। तो अवशेष और व्युत्पत्ति की अवधारणा जो है ये दी है इन्होंने, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स कि मर्टन के लिए निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण हेतु कौन सा आधार है? तो आर के मर्टन जी ने जो संदर्भ समूह के निर्माण हेतु आधार बताए थे वो कौन थे? ये थी सापेक्षिक वंचना। जो सापेक्षिक वंचना होती है यही जो है रिस्पॉन्सिबल होती है संदर्भ समूह के निर्माण हेतु। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निजाति पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो निजाति पद्धति विज्ञान यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एथनो मेथडोलॉजी के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो कौन है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? हेराल्ड गारफिंगल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जाता है? तो अभी वही क्वेश्चन जो था नहीं, क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो है यानी फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो इसमें कौन थे? हैबरमास और अल्थूजर, यहाँ अलेक्जेंडर और बोर्डियो है नहीं, पियरे बोर्डियो जी। तो ऑप्शन इसमें बी भी हो जाएंगे और सी भी हो जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बहुत करेक्ट आपका हो जाएगा, तो बी एंड सी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? तो ऐसे कौन है जो सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करते हैं? तो भूमिकाओं की जो बात की है वो किसने की है? एस एफ नोडल महोदय ने। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि पूंजीवाद के कारण जो कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? तो एनटीए नेट में आया हुआ प्रश्न है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूंजीवाद से रिलेटेड है और कर्मकार के सपोर्ट में बात हो रही है, तो ये मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मार्क्स बहुत सारे लोग लगाते हैं, अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, फिलहाल ये प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने सॉल्व कराया था, बहुत सारे लोगों का ये क्लियर हो चुका है अब, लेकिन फिर भी जो नए बच्चे हैं जो अभी एमए क्वालिफाई करते हैं वो जुड़ते हैं, तैयारी करते हैं और लिखते भी हैं कि मैंने जो है आपके चैनल से देखा और काफ़ी चीज़ें वो लोग अच्छा, पहली बार में ही नेट भी बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, यहाँ तक कि जैरब भी हो गए हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं कि वो कन्फ्यूज ना हो। तो सबसे बड़ी बात है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ये मैक्स वेबर का है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतः साधक भविष्योक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है प्रीवियस में। स्वतः साधक भविष्योक्ति की जो संकल्पना है कि व्याख्या किसने की थी? तो स्वतः साधक भविष्योक्ति इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको फ्रेंड्स इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी, ठीक है, तो सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी। तो आप ध्यान रखिएगा इंग्लिश वाला ज्यादा इजी होता है, ये स्वतः साधक भविष्योक्ति जो है कंफ्यूज कर देता है और भी टफ कर देते हैं, तो सेल्फ फुलफिल्ड प्रोफेसी आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड। तो इसको जो कहा था वो मर्टन ने कहा था, मर्टन ने एक पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, हाँ, तो इसको ध्यान रखिएगा आर के मर्टन जी, और यही बताते हैं स्वतः साधक भविष्योक्ति की उन्होंने अवधारणा दी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोवियांड आइलैंडर्स का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? तो अभी जो पहले की जो क्विज हमने करवाई थी उसमें बताया था मेलिनोवस्की ने ट्रोवियांडा आइलैंडर्स का अध्ययन किया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने सामाजिक व्यवस्था में प्रगामी विकास, जो प्रगामी विकास है इसकी प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? तो कौन थे जो सामाजिक व्यवस्था ने, सोशल जो सिस्टम था उसमें प्रगामी विकास की प्रक्रिया में गतिमान संतुलन की बात की है? तो फ्रेंड्स ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये करते हैं पार्सन्स, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी,
कि लेखक कौन है, तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, ठीक है। तो इसके जो राइटर है वो कौन है, जी एच मीड महोदय, कौन है, जी एच मीड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, किसके अनुसार, देखिए ये परिभाषा दी गई है कि किसके अनुसार आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज के सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं। तो वो कौन है जो आत्मसात किए गए साझा मूल्य किसी भी समाज में सामाजिक एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाने वाले माने जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो है पार्सन्स जी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पार्सन्स जी ने कहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार पूछी जाती है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कौन है, एंथोनी गिडिंग्स महोदय है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।